अब डिप्टी सीएम बन गए हैं तो क्या चार महीने में करेंगे ऐसा कि 2023 में एक बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस आए? डिप्टी सीएम के पास सीधे तौर पे कोई जवाबदेही पृथक से नहीं होती, मुख्यमंत्री के पास एक अलग विशेषाधिकार होता है, वो संवैधानिक एक पद होता है। उप मुख्यमंत्री का कोई ऐसा जवाबदेही का पद नहीं है कि ये काम उप मुख्यमंत्री का है, उनको एक प्रोटोकॉल में दर्जा मिलता है उप मुख्यमंत्री को, शेष वो कैबिनेट के सदस्य के रूप में जो डिपार्टमेंटल जिम्मेदारियां हैं उनको वो निभाते हैं। जिम्मेदारी यही रहेगी कि सबको साथ लेके टीम के साथ हम लोग चलें और लोगों तक उनका विश्वास अर्जित करने के लिए हर संभव प्रयास करें ताकि आने वाले 5 सालों में भी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से छत्तीसगढ़ में हम लोग काम कर सकें। ये कहा जा रहा था कि बाबा नाराज चल रहे हैं, ढाई ढाई साल का फॉर्मूला था उसे पूरा नहीं किया गया, तो उसे संतुष्ट करने के लिए चुनाव के पहले डिप्टी सीएम बनाया गया। नाराजगी की बात नहीं थी, वो वातावरण जो बना हुआ था मीडिया में लगातार उस बात के रहने से तो सभी साथियों के बीच में भी एक कौतूहल भी रहता है, एक हो सकता है मीडिया कह रहा है तो कहीं तो कोई बात होगी, होने वाला होगा, कब हो रहा है, कब हो रहा है, ये तारीख निकल गई, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, अब तो साल निकल गया, अब अगला साल चालू हो गया, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, तो वो उसका एक विशेष दबाव की स्थिति बन जाती है। उसमें जवाब दे पाना सभी साथियों को कि सबको लगता है कि भाई मौका मिलेगा तो चलो इनका भी काम देखें। मैंने प्रयास सब हमेशा यही कहा और किया कि सबको ये बताऊं कि ये हाईकमांड का निर्णय रहता है, हम लोग को पूरा इसको हाईकमांड पर छोड़ देना चाहिए, वो जब जैसा फैसला करें। तो मुख्यमंत्री वाली बात नहीं आई, ये बात आई तो जो बात आई उसी को स्वीकार करके चलना है। अच्छा, 2023 में अब जा रहे हैं और कल बहुत लंबी बैठक हुई, तो किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? मुख्यमंत्री हैं स्वाभाविक तौर पे, वो लीड करेंगे, टीम को लीड कर रहे हैं, चुनाव में भी वो लीड करेंगे, पीसीसी प्रेसिडेंट रहेंगे वो लीड करेंगे, सामूहिक लीडरशिप की बात आती है तो शेष जो लीडर्स हैं वो रहेंगे, सीनियर हमारे नेशनल लीडर्स हैं वो टीम को लीड करेंगे, प्रभारी हैं उनका विशेष योगदान रहेगा, तो ये टीम रहेगी। मुख्यमंत्री जी बनने की पूरी चाय बाकी है, अगले चुनाव में मुख्यमंत्री के दावेदार रहेंगे? दावेदार में कभी नहीं था, वहाँ बुलाया गया था 4 लोगों को दिल्ली चुनाव के बाद, तो वो 4 में मैं भी था, महंत जी थे, ताम्रध्वज भाई थे, भूपेश भाई थे, मैं था, तो ये 4 लोगों को दिल्ली बुलाया तो हम लोग लाइन में आ गए, वो इन्हीं में से 4 में से बनाना है। अब अगली बार किसको बुलाएंगे वो अपने आप पता चल जाएगा।